छोड़ के न जा ओ जिया, छोड़ के न जा ओ जिया, तुम बिन लाले ना मेरा जिया, वो तुम बिन लाले ना मेरा जिया। छोड़ के चली जाओगी तो तुम्हारे बिना मेरा घर आंगन सब सूना हो जाएगा, इसलिए कहना है तुम बिन मेरा आंगन सूना, सूनी दुनिया सारी उधे, और ये राम प्रकाश, राम प्रकाश जी की तरफ से ये 20-20 रुपए हम सभी लोगों को अर्पण कर रहे हैं। ग्राम पहाड़पुर के रहने वाले, इन्होंने 20-20 रुपए से हमारा सभी का सम्मान किया है। भगवान से कामना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, इनके घर में धर्म की ध्वजा लहराती रहे और हमेशा धर्म की तरफ इनके हाथों को यूं ही आगे भगवान बढ़ाता रहे और इन्हीं जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बोली गोविंद भगवान की बोली है। आज सुनीति कहने लगी, दीदी तुम दीदी पहना दुनिया सुनी और मेरा घर सुना, इसलिए बेटा के ओ मेरी बेना मेरे दिल दुख दूना हो, इसलिए मेरा कहना है छोड़ के न जा ओ जिया, छोड़ के न जा ओ जिया, तुम बिन लागे ना कहूं मैं जिया, हो तुम बिन लागे ना कहूं मैं जिया। कह रही है तुम्हारे बिना ये दुनिया मेरी सूनी है। और सुनो, मैंने बड़े यत्न किए, बड़ी कोशिश की, तब तुम्हारे साथ में मैंने अपने पिया की शादी कराई है। और बोली लाखों यत्न करे मेरी बहना पिया की शादी रचाई, करे मेरी बहना पति की शादी रचाई, ओ दिल पर पत्थर रख के बहना, मैंने दिल पर अपने पत्थर रख लिए। बोली दिल पे पत्थर रख के बहना सौ त्यां घरों में बुलाई हो, कहने लगी ऐसी कौन नारी होगी जो स्वयं अपने घर में सौत बुलाएगी, लेकिन मैंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके
मैंने ये मन में सोच लिया मैं सारे दुखों का सामना करूंगी, लेकिन एक पुत्र की खातिर मैंने दूसरा विवाह पिया का रचवाया है। इसलिए मेरा बार बार यही कहना है कि दीदी ये घर छोड़ करके, ये आंगन छोड़ करके तुम न जाओ। छोड़ के न जा ओ पिया, ओ बहन इस पिया को छोड़ के न जाओ। छोड़ के न जा ये पिया, तुम बिन लागे ना करो मैं दिया, तुम बिन लागे ना करो मैं दिया। छोड़ के न जा ओ जिया, छोड़ के न जा ओ जिया, तुम बिन लागे ना करो मैं दिया, तुम बिन लागे ना करो मैं दिया। कहने लगी दीदी अगर तुम छोड़ करके चली गई तो ये मेरा घर आंगन सब सूना हो जाएगा, इसलिए ये घर को छोड़ करके न जाओ। एकदम सुरती आंख में खून के कतरे लेकर के आज आंखें अंगारे करके बोली, ए दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं सौत का मुख देखना नहीं चाहती हूँ, चली जा मेरी सामने से। और जैसे ही आज ये कहा, सुनीति ने जाकर के आज सुरती के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, दीदी न मान जाओ मेरे कहने, मेरा कहना मान लो, तुम ऐसा न करो। एकदम से क्रोध में आकर के सुरती ने जो धर के घूंसा मारा है और फटकार के जैसे ही लात मारी है, आज मैया सुनीति मुंह के बल जमीन पर गिर गई है। आंखों में आंसू लेकर के सुनीति रोने लगी, दीदी तुमने मेरे पीठ में लात मार दी, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, मलाल तो केवल इस बात का है तुम मेरे पिया का आंगन छोड़ करके जा रही हो, न जाओ। मेरा बार बार तुमसे यही कहना है। और रो कर बोली है, हे बहन तुमने मेरे पीठ में लात मारी, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, मलाल तो इस बात का है अगर तुम वापस चली गई तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और रो के कहने लगी है कि मेरे पीठ में मारी लात, अरे बहन बदला जन्म को आई रे, रो करके कहने लगी है मेरी पीठ में मारी लाज बहन मोए, लाज बदिल कुलिया रे, अरे दासी बन के रहू बहन तेरी हर दम के न बजाऊ रे, बहन ए दासी बन के रहू बहन तेरी हरदम टेला बजाऊ रे, मेरी कोखी पर पथरा पड़